हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे इज 11th नवंबर। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक जो जैकेट 2 पेज होता है ना, स्टार्टिंग पेज का, उससे नेक्स्ट पेज, उसमें ग्लासगो समिट के बारे में कुछ आया हुआ था। आप सब जानते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज चल रहा है, 26th समिट है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। उसका एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि जो क्लाइमेट फाइनेंस डेवलप्ड कंट्रीज जो कमिट कर रही हैं वो इनसफिशियंट है रिस्पॉन्ड करने के लिए वर्सनिंग जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं इन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो वो इनसफिशिएंट, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि इनसफिशिएंट फंड्स जो है प्रोवाइड कर रही डेवलप्ड कंट्रीज, और उन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज को अर्ज किया है कि अर्जेंटली स्केल अप करें अपने फंड्स को। ये अपने नोट्स में अपडेट कर लेना, क्योंकि जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया और अपनी साथ में डेवलपिंग कंट्रीज के साथ हमेशा से पॉइंट आउट करते आए हैं कि जो ये डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं हमें डिमांड कर रही है कि मेजर डेवलपिंग कंट्रीज नेट ज़ीरो कमिटमेंट करें, नेट ज़ीरो कमिटमेंट करें। आपने देखा होगा कि इंडिया ने भी 2070 कर दिया है अपनी कमिटमेंट, तो नेट ज़ीरो करें। ये अनजस्टिफाइड है। ये कोर प्रिंसिपल जो इक्विटी का है, क्लाइमेट इक्विटी और क्लाइमेट जस्टिस को वायलेट करता है। अब देखिए, क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट टॉक्स, नेट ज़ीरो इमिशन, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि किस डेट को सुनना है। देखिए क्या होता है कि हम लोग ना आपको सिर्फ न्यूज़पेपर की डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम न्यूज़पेपर के डिस्कशन के साथ वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग नोट्स। मतलब यही पॉइंट्स आपने एज इट इज़ लिखने हैं पेपर में। तो ये है कि आप हमारा सुनिए, जो हम लिख के दे रहे हैं उसको एज इट इज़ लिखिए, ताकि आपका मेंस का एग्जैक्टली आपको वही सेम जाके लिखना है, आपके सारे नोट्स फुलफिल हो जाएंगे, आपको उससे ज़्यादा ऐड करने की पॉइंट्स ज़रूरत नहीं है। तो जब जब हम आपको अपडेट्स दें उन्हीं में ऐड करिए, उसके बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आप सुनिए, और हम ये नहीं है कि आपको सिर्फ सारा पूरा का पूरा पेपर आपको एक न्यूज़ वालों की तरह एडिट आपको डिस्कशन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है न्यूज़पेपर से, जिनके नोट्स बनाने चाहिए एज ए एस्पिरेंट, वो हम आपको नोट्स बना के दे रहे हैं, ताकि आप एज इट इज़ वो लिख के आए पेपर में। तो जब जब हम आपको डेट देते हैं आप सुना करिए, जो क्लाइमेट जस्टिस की हमने दे रखी है आपको, और उसमें अब ये जो इनका ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट आया है उसको अपडेट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्योंकि हमने देखा है कि IPCC की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि अगर अपने आपको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमने सीमित रखना है, तो हमें दो चीज़ें करना पड़ेगा। एक तो हमें नेट ज़ीरो अचीव करने का बाय मिड सेंचुरी, और एक हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन है उसको 45% तक कम करना होगा बाय 2030, अगर हम लेवल बात करें तो 2010 लेवल से। तो ये तीन चीज़ें आप अपने अपडेट कर लेना। ये 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला तो आपने लिखा हुआ है, बट जो हमने ऊपर के दो पॉइंट्स अभी हमने किए हैं कि जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट आया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज प्रोवाइड कर रही हैं फंड्स दैट आर नॉट सफिशिएंट, और इंडिया ये बार बार दोहराता आया है कि आप हमें कोर्स नहीं कर सकते कि नेट ज़ीरो कमिटमेंट करें जब तक आप हमें फंड्स नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंशन कर लेना अपने नोट्स में, जो जो हमने आपको बनवा के दिए। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड एक नाम दिया हुआ था, तो इसका अलग से प्रीलिम्स में नोट बना लेना। आपसे पूछ सकता है क्या है ये वो कंट्रीज़ हैं, कुछ उनमें से आइलैंड्स हैं, याद रखिएगा कुछ हैं, ये नहीं है कि सारी आइलैंड्स हैं, कुछ आइलैंड नेशंस हैं जिन्होंने लीस्ट कार्बन एमिशन किया है बट ग्रेटर रिस्क पे हैं ग्लोबल, ये जो एमिशंस की वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्रेटर रिस्क पे आए हुए हैं, तो वो है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड। ये इंपॉर्टेंट है। एक पेज वन पे आपने देखा होगा कि जो हमारे NSA हैं अजीत डोवाल, उन्होंने प्रिसाइड किए मीटिंग, तो उसमें एक थर्ड रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग है वो, तो बेसिकली उन्होंने अपनी सारी स्टेटमेंट्स जो भी आई उसको नाम दिया दिल्ली डिक्लेरेशन। तो नोट्स मत बनाने लग जाना कि दिल्ली डिक्लेरेशन का मतलब ये है। दिल्ली डिक्लेरेशन को लेके पिछले 10 सालों से कभी हर साल कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आएगा दिल्ली डिक्लेरेशन के ऊपर, क्योंकि हो सकता है दिल्ली डिक्लेरेशन आप 2019 का समझ लें, कोई हो सकता है 2017 का समझ लें, तो दिल्ली डिक्लेरेशन लिखा नहीं आएगा। बट उनमें क्या बात हुई है, उन्होंने कहा एक तो अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देनी होगी हमें अफगान पीपल को, दूसरा उन्होंने कहा है कि हमें मिलके लड़ना होगा अगेंस्ट टेररिज्म, तीसरा उन्होंने कहा मिलके लड़ना होगा हमें ड्रग ट्रैफिकिंग इन द रीजन, ठीक है। एक्सप्रेस किए कंसर्न उन्होंने जो वहाँ के सोशो इकोनॉमिक कंडीशन हैं, ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन हैं, और उन्होंने कहा कि हमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सब कुछ था। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था सॉरी कॉमन प्रोस्पैरिटी जो चाइना का है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे वैसे ही आप लिखिएगा, पहले सुन लीजिए इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी सुनिएगा। ये पहली बार मेंशन हुआ था 1950 में, पहले किया था इन्होंने माओ ज़ेडोंग ने, जो फाउंडर हैं चाइना के बेसिकली, तो वो लेके आए थे माओ ज़ेडोंग। उनका मेन मकसद ये था
सबका भला होना चाहिए, एक आदमी अमीर नहीं होना चाहिए, सब अमीर होने चाहिए, सब इक्वल होने चाहिए, बेसिकली कॉमन प्रोस्पेरिटी का मतलब उनका ये था। बट उस टाइम जो चाइना थी वो गरीब देश था। फिर आए 1980s में डेंग जियापिंग, तो उन्होंने क्या करा, कल्चरल रेवोल्यूशन लेके आया, उन्होंने थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया इकोनॉमी को, उन्होंने कहा कि अगर हम कुछ लोगों को या कुछ रीजन्स को अलाउ करें कि पहले वो अमीर हो जाए, उससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और अल्टीमेटली हम फिर अचीव कर पाएंगे कॉमन प्रोस्पेरिटी। उससे क्या हुआ कि चाइना जो है इकोनॉमिक पावर हाउस तो बन गया, बहुत बढ़िया हो गया, उनका एक सोशलिज्म जो अपने तरह के करेक्टरिस्टिक्स का था वो चल गया। मगर उससे क्या हुआ, इनइक्वालिटी बहुत बढ़ गई, अर्बन और रूरल एरियाज में इनइक्वालिटी ज़्यादा बढ़ गई, सोशल स्टेबिलिटी को थ्रेटन होने लगा। ठीक है, अब आ जाते हैं जी जिनपिंग जो आ गए हमारे 2012 में। अब उनकी थर्ड टर्म चालू हो गई 2022 से। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि हमें कॉमन प्रोस्पेरिटी की बात अब वो खुद लेके आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी को तो एकदम ख़त्म करना होगा, इनइक्वालिटी को ख़त्म करना होगा और कॉमन प्रोस्पेरिटी अचीव करनी पड़ेगी हमें बाय 2035। ठीक है, और जो दो गोल है कॉमन प्रोस्पेरिटी 2035 तक और टोटल अचीव करना होगा हमें बाय 2050। अब उसके लिए वो क्या कह रहे हैं, क्या करेंगे, वो कह रहे हैं हम यूज़ करेंगे टैक्सेशन और इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन लीवर्स को हम यूज़ करेंगे। उससे हम क्या होगा कि जो अब हमारे देश में बहुत अमीर लोग हैं या गरीब लोग हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन से मिडिल इनकम जो सिटीजन्स होते हैं ना, मिडिल जो कमाई करते हैं, आम आदमी जिसको कहा जाता है, एक तो गरीब होता है, अमीर होता है, आम आदमी जो मिडिल इनकम वाला सोसाइटी होती है, उसको हम बढ़ाएंगे, उसको एक्सपैंड करेंगे, हम इनकम पुअर की बूस्ट करेंगे और रेशनली एडजस्ट करेंगे जो एक्सेसिव इनकम्स कमाई है बड़े लोगों ने, और बैन करेंगे इलीगल इनकम्स। उन्होंने इंकरेज कर रहे हैं हाई इनकम फर्म्स को कि वो कंट्रीब्यूट करें मोर टू द सोसाइटी। कैसे करेंगे, चैरिटी से करो, डोनेशंस करो। उसको उन्होंने कहा थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। कॉमन प्रोस्पेरिटी का जो गोल है ना, वो क्या करेगा बेसिकली, जैसे अभी हम जानते हैं कि चाइना में ज़्यादातर जितना माल बनता है सब एक्सपोर्ट होता है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा रिवाइव कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि रीबैलेंस करो टूवर्ड्स कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ। मतलब ज़्यादातर जो भी चाइना, एक जैसे कहा जाता है कि वर्ल्ड की फैक्ट्री है, जितना माल बनता है सब एक्सपोर्ट हो जाता है, तो हम वो ये चाहते हैं कि चाइना का जो माल बन रहा है वो डोमेस्टिकली कंज्यूम ज़्यादा हो और हमारी जो रिलायंस है एक्सपोर्ट्स पे वो कम हो जाए। ठीक है, वो चाहते हैं कि इंक्रीज़ होगी जब इंकम लोगों की, इम्प्रूव होगी पब्लिक सर्विसेज स्पेशली इन रूरल एरियाज़, उनकी सेविंग्स बढ़ेंगी तो उनकी कंजम्पशन भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड कॉमन प्रोस्पेरिटी। उसके बाद एक पेज 11 पे था इम्पॉर्टेंट था, जहाँ पे उन्होंने इथेनॉल का, जूट का, शुगर सेक्टर का और कॉटन सेक्टर का दे रखा था। उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि कई बार जब नोट्स में आपके पॉइंट वाइज दिया होता है प्रीलिम्स में, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इथेनॉल जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लेती हैं, एक तो पहली बात ऑयल इथेनॉल जो है उसकी ब्लेंडिंग जो है 10% तक पहुँच जाएगी नेक्स्ट ईयर और 20% पहुँच जाएगी बाई 2025। तो याद रखिएगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो इथेनॉल बाय करती हैं फ्रॉम शुगर मिल्स, वो लेती है उस रेट पे जो गवर्नमेंट सेट करती है। याद रखिएगा, इथेनॉल का रेट जो है वो गवर्नमेंट सेट करती है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।